नमस्कार मैं हूं आपके साथ इश्तिया अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ यूक्रेन रूस युद्ध 40 दिन बाद भी लगातार जारी और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाए लेकिन शहर को छोड़ने से पहले तबाही मचा दी और यूक्रेन के अभियोजक जनरल ने दावा करते हुए कहा कि कीव क्षेत्र से करीब 410 सौ दस शब्द बरामद हुए और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया वहीं राष्ट्रपति जेलोनियो गोत ने जारी करते हुए कहा कि की राजधानी कीव के पास बूचा शहर में मृत नागरिकों की तस्वीरें देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा और उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग भी की और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम बूचा और पूरे यूक्रेन में क्रेमिनल बलों द्वारा किए गए स्पष्ट अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं और हम जिम्मेदार लोगों को जवाब दे ठहराने के लिए उपलब्ध हर उपकरण दस्तावेजीकरण खंगाल रहे हैं और यूक्रेन के अभियोजक जनरल का कहना है कि करीब 410 नागरिकों के शव व्यापक कीव के क्षेत्रों से बरामद किए गए जहां से रूसी सेना वापस ले ली गई थी और वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने बूचा में रूसी सैनिकों द्वारा नागरिकों को मारे जाने से इनकार कर दिया और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जलस्कर ने शनिवार रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन की जनता और यूक्रेन जानता है कि रूस के पास यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में अधिक दबाव बनाने के लिए सुरक्षा बल और उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सैनिकों को लक्ष्य क्या है वो डोनबास और यूक्रेन के दक्षिण पर कब्जा जमाना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है अपनी अपनी आज़ादी अपनी ज़मीन अपने लोगों की रक्षा करना और उन्होंने कहा कि अच्छी खासी संख्या में रूसी सैनिक मारियोपोल के आसपास तैनात हैं जहाँ बचावकर्ता लगातार लड़ रहे हैं और जल्सकी ने यह भी कहा कि इस विरोध के कारण इस साहस और हमारे अन्य शहरों की प्रतिरोध क्षमता के कारण यूक्रेन ने अमूल्य समय हासिल किया जिससे हमें दुश्मन के हथकंडों को नाकाम करने और उसकी क्षमताओं को कमजोर करने का मौका मिल रहा है और ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से मिसाइल रोधी प्रणालियां और विमान जैसे आधुनिक हथियार देने की अपील की है भारत में पिछले कुछ महीनों में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है और एक तरफ जहां देश में कोविड केसेस लगातार कम हो रहे और वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने तरह ही माम मचाया हुआ है और रिपोर्ट की माने तो कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण ने वहां के सरकार से लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी और वहीं चीन के दो दर्जन से अधिक प्रांत में कोरोना संक्रमण फैल चुका है और वहीं रिपोर्ट की मांगे तो शंघाई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के नौ नए मामले सामने आए और कोरोना की पहली लहर की पीक के बाद ये सबसे अधिक एक दिवस से बढ़ा था और कोरोना के बढ़ रहे मामलों की गंभीरता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद एक दिन में नौ से ज़्यादा मामले सामने आए और बढ़ते मामलों के साथ ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब हो रही है और चीन के वित्तीय शहर शंघाई के अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि यहाँ लोगों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं अच्छी है और इन सब हालत पर काबू पाने के लिए चीनी सेना 2000 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को शंघाई भेज रही ताकि मरीजों का इलाज हो सके और चीन में सबसे ज्यादा संक्रमण में बड़ा शंघाई में ही देखा जा रहा है और यहाँ हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और वहीं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो बीते रविवार यहां संक्रमण के 438 नए मामले की पुष्टि हुई और इसके साथ 7788 ऐसे संक्रमितों का पता चला जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं थे और रिपोर्ट की मान्यताव तो शंघाई में आ रहे दैनिक मामला चीनिंग में दो के अंत में वुहान में मिले मामलों के बाद सबसे ज्यादा और शंघाई में दो दशमलव छह करोड़ की आबादी दो चरणों में लॉकडाउन का सामना कर रही है वहीं अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था और वहीं कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुआ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोडबा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे और वहीं राष्ट्रपति ने शुक्रवार देर रात एक विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में एक अप्रैल से तत्काल प्रभाव से आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी और सरकार ने शनिवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगा दिया और इस बीच श्रीलंका सरकार ने व्हाट्सअप ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और वहीं जो प्रतिबंध था वो रविवार को हटा दिया गया और देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन से पहले देशव्यापी सार्वजनिक का आपातकाल घोषित करने और छत्तीस घंटे के कर्फ्यू के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वहीं प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि फेसबुक ट्विटर यूट्यूब और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट व्हाट्सअप फाइबर टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर की सेवाएं पंद्रह घंटे के बाद बहाल कर दी गई और इन सेवाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था और इससे पहले कोलंबो पेज अखबार की खबरें में कहा गया था कि इस कदम का उद्देश्य घंटों तक बिजली कटौती के बीच भोजन आवश्यक वस्तुओं ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने में सरकार की नाकामी के विरोध में कोलंबो में लोगों को एकत्रित होने से रोकना था वहीं साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पर नजर रखने वाले निगरानी संगठन ब्लॉक्स ने श्रीलंका में मध्यरात्रि के बाद रविवार को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप फाइबर और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगाए जाने की पुष्टि की थी वहीं बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासत का केंद्र बना हुआ है। और नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद को भंग कर चुनाव कराने की चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट देश की राजनीति का अब केंद्र बन गया है संसद भंग करने की याचिका पर सात से ग्यारह जजों की बेंच सुनवाई करेगी और जानकारी के मुताबिक इमरान खान सिर्फ पंद्रह दिन केयर टेकर पी रह सकते और वह संसद को भंग कर चुनाव कराए जाने के फैसले के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है और कोर्ट ने सभी सरकारी संगठनों को किसी भी तरह से असंवैधानिक कदम उठाने से बचने का आदेश भी जारी किया है और वहीं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साफ तौर से निर्देश देते हुए कहा कि संसद को भंग करने को लेकर पीएम और राष्ट्रपति के सभी आदेश और कदम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पीएम इमरान खान की सिफारिश के बाद नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था और इससे पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और इसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कोई भी असंवैधानिक कदम उठाने से बचने का निर्देश देकर मामले की सुनवाई सोमवार तक लिए स्थगित कर दी थी और वहीं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि संसद को भंग करने को लेकर पीएम और राष्ट्रपति की ओर से दिए गए सभी आदेश और कदम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो इसका हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने सभी सियासी पार्टियों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश भी दिए और इमरान खान ने संसद के निचले सदन में तीन सदस्य नेशनल असेंबली में प्रभावी तौर पर बहुमत खो दिया था और गौरतलब है कि विपक्ष के एकजुट होने और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद इमरान खान का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया था लेकिन डिप्टी स्पीकर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष को ज़बरदस्त झटका भी लगा है और इसी बीच एक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है इससे आपको रूबरू करा दे इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें इस वक्त की लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शराब मिलने से और शराब से मिलने वाले राजस्व का आंकड़ा जारी किया गया है इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर शराब से मिलने वाला राजस्व का आंकड़ा जारी कर दिया गया और यूपी सरकार ने 2021 से 22 तक का ये आंकड़ा जारी किया है और वहीं आपको बता दें कि शराब से सरकार ने करीब छत्तीस हजार दो सौ करोड़ कमाए हैं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पिछले साल की तुलना में छह हजार करोड़ का राजस्व बढ़ाए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वहीं संसद के बजट सत्र के आखिरी हफ्ते की आज से शुरुआत होने जा रही है और इस बीच लोकसभा में आज विवादित क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल को चर्चा के बाद पारित किए जाने की भी संभावना है और वही निचले सदन में बिल को पेश करते समय विपक्ष की ओर से इसका जबरदस्त विरोध भी किया गया था हालांकि इसे पेश करने के लिए वोटिंग करवानी पड़ी थी और बिल में सजा याफ्ता अपराधियों और जुर्म के आरोपियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट और आयरिस की तरह ही जैविक सैंपल लेने का भी प्रावधान है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पर हुई चर्चा का जवाब दे सकते हैं और चर्चा करीब दोपहर दो बजे दो शुरू होने की संभावना है और वहीं विपक्ष का कहना था कि ये संविधान के विरुद्ध और मूल अधिकारों का उल्लंघन है और दूसरी तरफ संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज विपक्ष एक बार फिर महंगाई को लेकर चर्चा की मांग कर सकता है और इसके अलावा जनरल वी के सिंह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से संबंधित कामकाज का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे और केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित कामकाज का ब्यौरा अजय भट्ट रखेंगे और इसके अलावा स्टील माइनिंग एम हाउसिंग पेट्रोलियम और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भी अपने मंत्रालयों के कामकाज संबंधी ब्यौरा पेश करेंगे और वहीं एस सी वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी जिसमें पीएसयू प्राइवेट सेक्टर और कंट्रैक्चुअल नौकरियों में और एल आदि में इन समुदायों के आरक्षण की समस्याओं पर अध्ययन पेश किया गया वहीं एम सेक्टर पर कोविड के प्रभाव और सरकार द्वारा लिए गए एक्शन की रिपोर्ट भी पेश होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन चार्टेड अकाउंटेंट संबंधी एक संशोधन बिल भी पेश करेंगी और वहीं अर्जुन मुंडा अनुसूचित जनजातीय संशोधन विधेयक पेश करेंगे